डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गिरता जा रहा है। पाकिस्तान प्रीमियर वंस अगेन कॉल्ड हिज कंट्री अ बेगर स्टेट। ये सब सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? ऑफ कोर्स आवर प्रॉब्लमैटिक नेबर पाकिस्तान, राइट? पाकिस्तान जो आज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डेट में डूबा हुआ है, जिसके लिए यूएस भी ये कहता है कि दुनिया के सबसे डेंजरस देशों में से एक है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो इतना पॉलिटिकली अनस्टेबल है कि आज तक उसका एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाया है। एंड गरीबी यहाँ इतनी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि जब भी हम किसी कंट्री से बात करने जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम यहाँ पर भीख मांगने आ रहे हैं। और हम आज 75 साल बाद आज किशकोर लेके फिर रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान की आज की स्थिति है, जो देखकर बुरा तो लगता है क्योंकि हमें अपने भाई जैसा ही फील होता है। हमारे बिछड़े हुए भाई है जो इस सिचुएशन में आधम के हैं। लेकिन डू यू नो, एक टाइम ऐसा भी था जब यही देश सुपर पावर बनने की दौड़ में था। यस, यू हर्ड दैट राइट। इनफैक्ट यूएस, सेंट्रल एशिया, अरब कंट्रीज, ये सब पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने में उसका साथ दे रहे थे। कोऑपरेशन इतना हाई था। वेल, आप में से बहुत ही कम लोगों को पाकिस्तान के इस दौर के बारे में पता भी होगा। सुपर पावर बनने का सपना पाकिस्तान आजाद होते ही देखने लगा था, क्योंकि उसके लिए उसका सबसे बड़ा हथियार था रिलीजन। आजाद होते ही पाकिस्तान इस्लामिस्तान बनने के सपने देखने लगा था। बेसिकली प्लान बिल्कुल सिंपल था, दुनिया के सारे मुस्लिम देशों को एक एक करके इस्लामिस्तान बनाना, और इन इस्लामिस्तानों का सुल्तान होता पाकिस्तान खुद। ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग लीडर खाली कुजमान ने पूरे मिडिल ईस्ट का दौरा भी किया इस्लामिस्तान के इस आइडिया का प्रचार करने के लिए। हालांकि एक ऐसा दौर था जहां पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अपने ही डोमेस्टिक इश्यूज में फंसी हुई थी, और इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ी। बट पाकिस्तान ने सो कॉल्ड इस्लामिक लीडर बनने का प्रयास फिर भी जारी रखा। इस प्रयास में सबसे पहले तो उसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC की नींव की स्थापना की। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आज के तारीख में भी दुनिया की सबसे बड़ी और इन्फ्लुएंशियल कलेक्टिव है इस्लामिक कंट्रीज की। OIC के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मूव था न्यूक्लियर वेपन्स पर अपना कब्जा जमाना। इफ वी वांट टू मेक एडवांसेस इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन को लेकर इतना उतावला था कि एक बार उनके प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो ये भी कह दिया था कि क्रिश्चियंस, जूस और हिंदूस, ये तीनों सिविलाइजेशन के पास अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स आ गए। ऑब्वियसली इंसिनुएटिंग कि सारे सिविलाइजेशंस आगे बढ़ रहे हैं, पर सिर्फ एक इस्लामिक सिविलाइजेशन के पास अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है। पर पाकिस्तान अपने इस मुहिम में तभी सक्सेसफुल हो पाता जब दूसरे कंट्रीज उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते। और फिर क्या था, पाकिस्तान ने अपने आप को छोटे मुस्लिम देशों का सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेवियर बना लिया। एंड इसीलिए तो इंडोनेशिया जैसे देश के इंडिपेंडेंस में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। और फ्रेंड्स, वैसे मैं ये तब की बात कर रहा हूँ जब पाकिस्तान खुद भी एक इंडिपेंडेंट देश नहीं था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर जिन्ना ने ब्रिटिश आर्मी में मुस्लिम सोल्जर्स को इंडोनेशिया जाकर अपने मुस्लिम ब्रदर्स को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए पर्सुएड किया। एंड यू वोंट बिलीव, बट 600 से 800 मुस्लिम सोल्जर्स जिन्ना की बात मानकर ब्रिटिश आर्मी को धोखा देकर इंडोनेशिया चले गए आजादी की जंग में उसका साथ देने। अब इंडिपेंडेंट होने के बाद भी पाकिस्तान ने सोल्जर्स इंडोनेशिया भेजने का सिलसिला जारी रखा। एंड जब फाइनली इंडोनेशिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो पाकिस्तान ने देश भर में पब्लिक हॉलिडे को डिक्लेयर कर दिया। ऐसा इतिहास में लिटरली पहली बार हो रहा था कि एक देश के आजादी का जश्न कोई और देश मना रहा था। बट पाकिस्तान यहां पर भी नहीं रुका। पाकिस्तान ने तो लिबिया, ट्यूनिशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, सोमालिया, एरिट्रिया जैसे दूसरे छोटे मुस्लिम देशों की इंडिपेंडेंस की भी बात यूएनएससी में उठाई। लेकिन वो कहावत है ना, हाथी के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत कुछ अलग। बस पाकिस्तान का भी केस कुछ ऐसा ही था, क्योंकि पाकिस्तान का रिलीजियस सुप्रीमेसी पाने का असली डर्टी गेम तो कहीं और ही चल रहा था। इट वॉज इन सेंट्रल एशिया। अब ये गेम चलो अलग है, लेकिन पाकिस्तान खुद अपने लोगों को गेम खेलने से रोक रहा है। पाकिस्तान का रिलीजियस डर्टी गेम तो कहीं और चल रहा था, एंड इट वॉज सेंट्रल एशिया। 1984 में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कुरान के 5000 कॉपीज को इलीगली USSR के सदर्न बॉर्डर्स के थ्रू स्मगल किया था। इनफैक्ट नारकोटिक्स, वेपन्स और भी कई सारे इस्लामिक बुक्स भी USSR बॉर्डर के अंदर पहुंचाए जा रहे थे। सो पिक्चर दिस, आज ऐसा क्यों है? कॉम्युनिस्ट USSR के 15 में से 6 रिपब्लिक्स तो मुस्लिम मेजोरिटी है। वेल, पाकिस्तान को USSR को डिस्टेबिलाईज करके इसी का एडवांटेज लेना था, और इसीलिए वो इन देशों में इस्लामिक रेडिकलिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन जस्ट इमेजिन थिंग्स ओवर हियर, यूएसएसआर वो टाइम का एक सुपर पावर था और पाकिस्तान शेर के मुंह में सीधा हाथ डाल रहा था, इतना वो टाइम पे पाकिस्तान की डेयरिंग थी। अपने इस मकसद में सक्सेसफुल होने के लिए उसने मुजाहिदीन टेररिस्ट को भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसने इस्लामिक यूनियन ऑफ द नॉर्दर्न पीपल ऑफ अफगानिस्तान नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जिसका हेडक्वार्टर पेशावर में था और इसका मिशन था सोवियत के मुस्लिम्स को आजाद कराना, काइंड ऑफ लाइक जो वो कश्मीर के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं आज की तारीख में। इवन इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान IMU नाम की एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान अपना सपोर्ट देता था सो दैट सेंट्रल एशिया में उसका इन्फ्लुएंस बना रहे। एंड 1991 में सोवियत के कोलैप्स के बाद भी पाकिस्तान ने इन देशों को डिप्लोमेसी और ट्रेड जैसी बड़ी चीजों से लेकर छोटी चीजों में भी ट्रेनिंग दी, जैसे कि बैंकिंग, अकाउंटेंसी एंड इवन इंग्लिश लैंग्वेज। इवेंचुअली पाकिस्तान का इन पर इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया कि ताजिकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने तो ये तक ओपनली कह दिया कि हम इंडियन मिलिट्री बेसिस को कभी अपने सॉइल पर अलाउ भी नहीं करेंगे। वेल, ये तो बात थी सेंट्रल एशिया की, लेकिन यूएसए और अरेबियन सुपर पावर्स को भी पाकिस्तान ने अपने साइड में कर लिया था। रियली दैट्स ट्रू। अगर अर्ली 50s में किसी एशियन कंट्री के यूएस के साथ सबसे फ्लरिशिंग रिलेशंस थे तो वो देश था पाकिस्तान। रिलेशंस इतने अच्छे थे कि यूएस पहली कंट्री थी जिसने इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करके उसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज बनाए। साल 1950 के बाद से ये दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। पाकिस्तान के आजाद होते ही यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने पाकिस्तानी पीएम लियाकत अली खान को यूएसए बुलाया। इस मुलाकात के दौरान ट्रूमन ने खान से पाकिस्तान में CIA बेस बनाने की मांग की जिसे खान ने टाल दिया, लेकिन ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई क्योंकि यूएसए और पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को यूएसए ट्रेन करने वाला था और यूएसए ने मिलिट्री असिस्टेंस एडवाइजरी ग्रुप MAG को रावलपिंडी में एस्टैब्लिश कर दिया। और इस मुलाकात के बाद अगले 4 सालों तक कई टॉप पाकिस्तानी ऑफिशियल्स यूएसए गए और हैवी यूएस एड्स पाकिस्तान को मिलते रहे। पाकिस्तान ने तो यूएस आर्मी को अपना पेशावर एयर स्टेशन लीज पर भी दे दिया ताकि वो वहां से रशिया पर नजर रख सके। इस दोस्ती से खुश होकर 1960s में यूएसए ने पाकिस्तानी पीएम आयूब खान को बुलाकर उनका कुछ ऐसा बहुत ही शानदार स्वागत किया। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की एशिया में पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि जुलाई 1971 में यूएसए और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक टॉक्स पाकिस्तान ने शुरू करवाए थे। कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान यूएस का एक मेजर एलाय बन गया। इन दोनों कंट्रीज में कोऑपरेशन इतना बढ़ गया कि साल 1979 से 1988 के बीच पाकिस्तानी इंटेल एजेंसी ISI और अमेरिकन इंटेल एजेंसी CIA ने साथ मिलकर USSR के खिलाफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिशंस किए और 1987 तक तो पाकिस्तान यूएस से इतना एड ले चुका था कि वो इजराइल के बाद दूसरा सबसे बड़ा एड रिसिपिएंट बन गया था। और ऐसे ही बीतते सालों के साथ पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती एकदम मजबूत होते जा रही थी। इस दोस्ती का पाकिस्तान को भरपूर फायदा हो रहा था। पाकिस्तान बहुत ही खुलकर यूएसए की मदद ले रहा था। लेकिन फिर साल 2001 में यूएस में 9/11 का आतंकी हमला हुआ। अब इस बार यूएस को पाकिस्तान की मदद की जरूरत थी। वो इस हमले के सूत्रधार ओसामा बिन लादेन को पकड़ना चाहते थे और बस अपने दोस्त की मदद करने में पाकिस्तान जुट गया। शुरू में पाकिस्तान ने तालिबान और अलकायदा के मेंबर्स के साथ बात करके ओसामा को हैंडओवर करने की डील करने की कोशिश की, लेकिन इस नेगोशिएशन के फेल होने के बाद पाकिस्तान ने अपने सारे एयर बेसेस को यूएस फोर्सेस के लिए ओपन कर दिया ताकि वो अलकायदा पर हमला कर सके। इस इतनी बड़ी मदद के बदले यूएस ने पाकिस्तान पर लगाए सारे पुराने सैंक्शंस हटा दिए और 2003 में तो इस मदद के बदले यूएसए ने पाकिस्तान को दिए लोन्स में से $1 billion ऐसे ही माफ कर दिए। बट पाकिस्तान डिडंट स्टॉप देयर क्योंकि मिडिल ईस्ट रीजन में भी पाकिस्तान की बहुत अच्छी पकड़ थी, या यूं भी कहा जा सकता है कि पूरा रीजन पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में था। इस पूरे मिडिल ईस्ट में एक एक कंट्री का पाकिस्तान मदद कर रहा था, जैसे कि UAE। 1968 में आजादी के तुरंत बाद UAE के राजा ने पाकिस्तान से उनके आर्मी को ट्रेनिंग देने की मदद मांगी, जिसके बाद अगले कुछ सालों तक पाकिस्तानी सोल्जर्स ने UAE आर्मी को कमांड किया और UAE आर्मर ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेन किया। इनफैक्ट पाकिस्तान के एयर कमोडोर सादरुद्दीन UAE एयरफोर्स के पहले एयर स्टाफ चीफ बने। अगले 10 सालों तक पाकिस्तान UAE का स्मॉल आर्म सप्लायर रहा।
और यूएई की तरह ही सऊदी अरेबिया में भी पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट रोल रहा। सऊदी के रॉयल एयरफोर्स को खड़ा करने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ था। इतना बड़ा कि सऊदी को अपना पहला जेट पाकिस्तानी सपोर्ट की वजह से मिला था। इनके सऊदी के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हो गए थे कि 1998 न्यूक्लियर टेस्ट के वर्ल्ड सैंक्शंस के बाद सऊदी ने पाकिस्तान को डेली के 50,000 बैरल ऑयल फ्री सप्लाई किए। इन कंट्रीज के अलावा कुवैत, कतार और बहरेन की मिलिट्री एस्टैब्लिश करने में भी पाकिस्तान का मेजर मेजर रोल था। एंड माइंड यू, 1970s के अरब वॉर में भी पाकिस्तानी फोर्सेस का मेजर इन्वॉल्वमेंट था, और इस वॉर में कहीं किसी कंट्री के लिए उनके सोल्जर्स टैंक चला रहे थे तो कहीं पर फाइटर जेट्स उड़ा रहे थे। एंड नॉट जस्ट अरब वॉर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बायलैटरल वॉर जैसे कि इराक कुवैत वॉर में भी पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कुवैती टैंक बटालियन को चलाया था। Now friends, I totally agree and I know आपके लिए ये सारी चीजें न्यू रहेगी, because I assure you आप में से बहुत ही कम लोग जानते रहोगे कि पाकिस्तान इस लेवल पर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहा था एक टाइम पे। बट अब आता है मेजर सवाल कि पाकिस्तान के जब सारे तारे चमक रहे थे तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी बुरी तरीके से फेल हो गया। Well friends, बात ये है ना, इतना अच्छा इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी पाकिस्तान इस इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी लेवरेज नहीं कर पाया। यूएसए जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर हुआ करता था, उसने उसके साथ इतने अच्छे रिलेशंस को खुद डिस्ट्रॉय करके अपने पतन की शुरुआत कर दी। और ये शुरू हुआ 2008 में तालिबान और अलकायदा के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की होड़ में। पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस को लीक करना शुरू कर दिया, जिसके रिटेलिएशन में अमेरिकन आर्मी ने 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स और 8 तालिबानी सोल्जर्स को एयर स्ट्राइक में मार गिराया। अब अमेरिका के लिए ये एक विश्वासघात की तरह था, एक उस देश से जिसके टुकड़ों पर ही तो वो पल रहा था। लेकिन 2011 में तो पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी, क्योंकि उन्होंने 9/11 के मास्टरमाइंड बिन लादेन को अपने ही देश में छुपा कर रखा था, जिसे यूएस हर जगह ढूंढ रहा था। इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस काफी खराब होते गए। इन इतने अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करने की जगह पाकिस्तान बस कश्मीर में इंसर्जेंसीज और टेररिस्ट अटैक्स करवाने में लगा रहा, जिसके लिए उसने बायलैटरल रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देने की जगह पर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पोर्टेंस दिया। सऊदी रिलेशंस में भी पाकिस्तान ने अपना यही स्टैंड अपनाया। यमन वॉर के दौरान जब सऊदी को उसकी जरूरत थी तब उसने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन वही बात जब इंडिया में रेडिकलाइजेशन फैलाने की हो तब पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। इसी वजह से अब सऊदी भी स्पेसिफिकली कश्मीर इशू पर पाकिस्तान के लगातार मदद मांगने के बावजूद भी पीछे हट रहा है। पाकिस्तान को 2004 से अकेले यूएस से ही इतनी फॉरेन एड्स हासिल होने के बावजूद भी उनका जीडीपी लगातार 10 साल तक गिरता रहा, बट वहीं टेररिज्म 2004 से एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज के तारीख में हालत कुछ ऐसी हो गई है कि कल तक जो कंट्री सुपर पावर बनने के ख्वाब बुन रही थी, आज उसकी हालत ये हो गई है कि वो तीन टुकड़ों में बंटने की कगार पर आ गई है। पाकिस्तान ने जो फंडिंग्स एक्सट्रीमिस्ट और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करने के लिए लगाए, वही फंडिंग्स को अगर उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में खर्च किया होता तो आज पाकिस्तान की हालत डेफिनेटली कुछ अलग होती। लेकिन फ्रेंड्स, आज मामला तो ये हो गया है कि पाकिस्तान तीन टुकड़ों में बंट सकता है, और इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव से आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान में क्या क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट बाय फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।